एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बहुत दिनों बाद मैं इस तरह से आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई भी व्लॉग नहीं डाला है अपने चैनल में, केवल शॉर्ट्स ही मैं डाल रही थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना ट्रेवल व्लॉग। अभी कल ही मैं आई हूँ घर, तो अभी मैं घर से शूट कर रही हूँ ये वीडियो। तो 26 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी थी, और इसलिए हम लोग गए थे अमृतसर, और अमृतसर से वहाँ सारी चीज़ें देख के हम लोग गए थे वैष्णो देवी के दर्शन करने। वही सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। तो जहाँ जहाँ मैं गई थी वहाँ का मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड मैंने किया है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो ये है आज का मेरा ट्रेवल व्लॉग। तो मैं किस तरह से कहाँ गई और वहाँ सारी चीज़ें कैसे क्या थी, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ, आपको थोड़ा सा बताऊँ कि वहाँ हमने क्या क्या चीज़ें देखी और क्या क्या चीज़ें हमने एक्सप्लोर की, और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम लोगों को कैसा लगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको ज़रूर से अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर आप में से मेरे चैनल पर कोई नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो 26 को हमारी थी वेडिंग एनिवर्सरी, और हम लोग निकले थे 24 को, क्योंकि जाने में भी पूरा एक दिन लग जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने घर से, जहाँ हमारा घर है वहाँ से हम लोग गए थे लखनऊ, और लखनऊ से हमने पकड़ी थी ट्रेन अमृतसर के लिए। तो अभी हम लोग हैं ट्रेन में, और ट्रेन में बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी, क्योंकि एक और फैमिली मिल गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो फैमिली। वो लोग भी अमृतसर जा रहे थे, तो उनके दो बच्चे भी थे साथ में छोटे छोटे। तो हम लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छे से बातें वगैरह की, बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छा नेचर था उनका। वो एयरफोर्स में थे, उनकी जो उनके हस्बैंड थे लेडीज़ के, वो एयरफोर्स में थे। तो बहुत अच्छी फैमिली थी हम लोगों की। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो हम लोग आए हैं अमृतसर के रास्ते में। तो अब मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपको एनिवर्सरी वाले दिन। सुबह का टाइम है ये, और बस जस्ट हम दोनों रेडी हो गए हैं। और क्योंकि हम लोग अमृतसर पहुँचे थे रात में करीब 12:30 बजे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो और अब हम लोग जा रहे हैं तो घूमने, अपने एनिवर्सरी मनाने, जिसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकल लिए मार्केट के लिए। मार्केट क्या, यहाँ जो गोल्डन टेम्पल है ये पूरा वही एरिया है, यहाँ यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ की जो बिल्डिंग वगैरह बनी है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा क्लीन सिटी है ये। हर जगह का तो नहीं पता, लेकिन ये गोल्डन टेम्पल का जो पूरा एरिया है यहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, बहुत अच्छे से सफाई वगैरह हो रखी थी। और अभी सुबह का टाइम है, 10 या 10:30 हो रहे थे इस टाइम पर। तो हम लोग बाकायदे नहा वहाँ के अच्छे से रेडी होके निकले थे, जहाँ घूमना है वहाँ सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जो जो भी होगा वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो ये है मेन एरिया गोल्डन टेम्पल वाला। तो यहीं बगल में ही है जलियांवाला बाग। तो पहले हमने सोचा कि पहले हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग पहले गए थे जलियांवाला बाग, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम था जाने में। तो सबसे पहले हम लोग गए थे जलियांवाला बाग, वहाँ पूरी चीज़ें हमने देखी और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबको एक एक बार ज़रूर से जाना चाहिए ऐसी जगह पे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अगर। तो ये देखिए, ये है यहाँ की सारी बिल्डिंग, और बहुत होटल वगैरह थी, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हमेशा घूमने के लिए। और क्योंकि मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा ड्रीम था यहाँ आने का, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की फ़ोटोज़ ऐसे देखी थी गोल्डन टेम्पल के सामने, सर में दुपट्टा रख के, और जो एजेंट्स होते हैं वो ऐसे अपने सर में ऐसे रुमाल या जो ऑरेंज कलर का होता है कुछ बांधने वाला, उसको बांध के जैसे फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो मैंने शुरू से देखा था, मेरा बहुत ज़्यादा मन था शुरू से ही यहाँ एक बार आने का। तो फाइनली हम लोग आ गए अपने वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन। तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये है यहाँ की मार्केट, जो मेन मार्केट होती है। यहाँ तो केवल आपको दो ही चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, एक है फुलकारी दुपट्टा, जो यहाँ का जो मेन फुलकारी दुपट्टा होता है, पूरे दुपट्टे में खूब अच्छे से कढ़ाई हो रखी होती है, और दूसरा है नागरा या मोजड़ी या फिर जुत्ती, आप जो भी उसको बोलें।
तो ये दोनों चीज़ें तो पूरे मार्केट में एकदम भरी पड़ी थी, मतलब पूरी ही मार्केट इसी चीज़ों से भरी हुई थी। और हाँ, साथ में चूड़ा भी बहुत मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे तो ऐसे घूमने से ज़्यादा ये मार्केट देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे थी देखने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जलियांवाला बाग में देखने, वहाँ भी मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। और ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो अभी हम लोग आ गए हैं जलियांवाला बाग का जो मेन गेट है वहाँ। तो यहाँ मैं सोच रही थी शायद ये लोग रिकॉर्ड ना करने दे, तो वही जो पुलिस अंकल थे उन्होंने कहा कि हाँ आप रिकॉर्ड कर सकती हैं, फ़ोटो खींच सकती हैं। तो मैं थोड़ा सा खुश हो गई कि चलो ठीक है, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना था, मेरा बहुत ज़्यादा मन था। तो ये है इसका मेन जो एंट्री गेट होता है वो है। तो यहाँ जो सारे नेता थे हमारे देश के, जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और इतनी इतने दिनों बाद हमें आज़ादी मिली, तो इन सारी चीज़ों के लिए तो ये सारे नेता हैं, उनकी यहाँ फ़ोटो वगैरह पूरा स्टैचू टाइप में बना हुआ है। तो हाँ, मैं मुझे जितना पता होगा, मैंने जितना जितनी चीज़ें यहाँ देखी हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगी। और अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए या मैं आपको ना बता पाऊँ वो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ उसके लिए पहले से ही सॉरी, क्योंकि मुझे जितनी चीज़ें पता हैं मैं उतनी ही आपको बता पाऊँगी। तो ये देखिए, और आप खुद ही देख लीजिए यहाँ का जो पूरा कैसा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जलियांवाला बाग है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा स्पेस था, हम लोग इस तरह से पूरा पैदल पूरा घूमे हैं, बहुत दूर तक था। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा, बहुत क्लीन है। और क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो अभी जो टूरिस्ट थे वो अभी आ ही रहे थे, तो अभी वैसी वाली भीड़ नहीं हुई थी जो शायद शाम तक या दोपहर में होती है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम था। तो अभी हम लोग बस घूमने आए हैं, और अभी हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए ये सारी चीज़ें, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और लाइक भी करिएगा। तो और यहाँ देखिए, आपको मैं ये गार्डन वगैरह दिखा रही हूँ। तो वैसे तो इस वाले व्लॉग में शायद मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, जो जैसा है वो वैसा ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अगर कोई देखना चाहे कि वहाँ ये सारी चीज़ें कैसी हैं, तो वो इसको एक बार देख के थोड़ा सा उसको आइडिया लग जाए। और अगर अभी मैं इसको पूरा बढ़ा बढ़ा के आपको दिखाऊँगी तो आपको भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैंने जैसा वेडिंग एनिवर्सरी और वहाँ पे और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। आपको कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पहले से काफ़ी अच्छा, इसके पहले में भी आ चुका हूँ, इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं पहले से। तो मैंने जैसे सारी चीज़ें रिकॉर्ड की वो मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। और हाँ, मैं बता दूँ, ये है जो गोलियों के निशान पड़े थे जब यहाँ पे वो जो क्या लड़ाई हुई थी तो हुआ था, तो यहाँ ये सारी गोलियों के निशान हैं। तो यहाँ जो वाइट कलर का पूरा बॉर्डर बना हुआ है ये बॉक्स टाइप में, इसी में ये पूरे गोलियों के निशान हैं। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें जिससे कि सबको पता चल सके। तो आज़ादी के टाइम पे जब यहाँ लड़ाई हुई थी तो वो उस टाइम का है। और ये जो पेड़ है बरगद का, ये बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पे ऐसा सब लोग कह रहे थे और यहाँ लिखा भी था। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है, और इसको भी अच्छे से ये लोग पूरा बाकायदे बना के रखे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ये यहाँ पे जो जैसे थॉट्स नहीं होते हैं किसी नेता के जिन्होंने दिए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये जो खंभे हैं बड़े बड़े, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है यहाँ ऊपर जाने का, जाने के लिए यहाँ ये रास्ता बना हुआ है, और ऊपर खंभे में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हैं। यह कि जिस प्रांत ने विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैनिक मुहैया कराए थे उसका ही सबसे अधिक जुर्मों का शिकार है। तो
तो ये सारी चीज़ें देख के, पूरा जलियांवाला बाग में सारी चीज़ें देख के हम लोग आ गए थे बाहर, और क्योंकि भूख लग गई थी, प्यास भी लग गई थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हमने पी पंजाबी लस्सी। और यहाँ ये इस तरह से स्टील के ग्लास में ही लस्सी देते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि लस्सी तो पंजाब का ही पूरा फेमस है। तो यहाँ इन्होंने पी, इसके बाद मैंने भी पी लस्सी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। पूरा भर के ग्लास देते हैं कि पूरा पेट ही भर जाए। तो इसके बाद हमने लस्सी पी, और इसके बाद थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे, जो सारी चीज़ें होंगी वो एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और भी हमने खाई थी, वो क्या था, रबड़ी। इसके बाद हमने रबड़ी खाई थी और सारी चीज़ें भी देखी थी। तो ये देखिए, और ये पंजाबी लोग बड़े बड़े एकदम ये पगड़ी वगैरह बांध के बहुत अच्छे लग रहे थे सब, पूरा एकदम पंजाबी वाइब आ रही थी सब। पूरा जो लेडीज़ थी वो पटियाला सूट, वैसे फुलकारी दुपट्टे और जुत्ती, और जो जेंट्स थे वो बड़ी बड़ी पगड़ी, लंबे चौड़े इस तरह से थे। और यहाँ मैं आई हूँ शॉप में, थोड़ी सी चीज़ें ख़रीदनी थी, तो यहाँ हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीदी जो जो चाहिए था। यहाँ की शॉप्स वगैरह बहुत अच्छी थी। और इसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ, ये रबड़ी खाने, बहुत टेस्टी बनी थी ये, हल्की मीठी थी। और हमने कोशिश की कि यहाँ की जितनी सारी चीज़ें फेमस है वो ज़रूर से खाएं, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो हमें पता चल सके। और यहाँ का जो छोला भटूरा और ये कुलचा, छोला कुलचा, ये सारी चीज़ें भी हमने खाई हैं, मगर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी और फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो अब इसके आगे वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी गोल्डन टेम्पल का, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।